हेपेटाइटिस सी ने खतरे की घंटी बजा दी। एक माह में सरकारी अस्पतालों में 475 केसेस की तस्दीक। सबसे ज्यादा जनरल अस्पताल में 157 केसेस सामने आए। मेयो 77, जिना 52, सर्विसेज अस्पताल में 43 केसेस रिपोर्ट। डेंगू केसेस में भी इजाफा, मजीद 6 अफराद बीमार। डेंगू मच्छर सर उठाने लगा, केसेस में इजाफा। 24 घंटे के दौरान शहर में मच्छर ने 6 अफराद को निशाना बनाया। बुखार की शिदत ने 5 अफराद को गंगाराम अस्पताल और एक को मेयो अस्पताल पहुंचाया। शहर के 420 मुख्तलिफ मकामात से लार्वा भी बरामद। अपनी छत अपना घर मंसूबा, ब्यूरोक्रेसी की अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने की सिफारिशात। महकमों की मौजूदगी के बावजूद 70 करोड़ सिर्फ पीएमयू पर खर्च किए जाएंगे। भारी तनख्वाहों पर मनपसंद कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग पंजाब ने समरी अरसाल कर दी। लाहौर के बनाओ संघार के लिए 3 मंसूबे लाने का फैसला। पीएचए 4 करोड़ 30 लाख से हुसैन चौक पर खूबसूरत मॉन्यूमेंट बनाएगा। एडमिन ब्लॉक का बाहर वाला रास्ता बंद करके डेन पॉलिन की ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। नया रास्ता जुलानी पार्क के अंदर से दिया जाएगा। मरकजी गेट की 80 रेनो तामीर भी की जाएगी। वज़ीरे आला का सूबे में तरक्याती अमल तेज करने का हुक्म। तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। 840 अरब के तरक्याती बजट पर अमल दरामद के लिए बड़ी तैयारी का आगाज। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की को 31 अगस्त तक तमाम मनसूबाबंदी मुकम्मल करने की हिदायत। शहर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में मानसून हवाओं की आज से एंट्री। यकम जुलाई तक बादल बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जोलो पार्क में मौजूद दरख्त की भारी शाख टूट गई, गुजरने में दुश्वारी। हुनरमंद कैदी अब जेलों में लाखों कमा सकेंगे। फर्नीचर का हुनर रखने वाले कैदियों को 1000 रोजाना उजरत दी जाएगी। जेल हुकाम के मुताबिक बगैर हुनर के कैदियों को 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। मजदूरी के पैसे अकाउंट्स में भिजवाए जाएंगे। मैट्रिक में टेक्निकल एजुकेशन शुरू करने का फैसला। तलबा तालबात मैट्रिक और इंटर टेक में दाखिला ले सकेंगे। मोटर, एसी, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेटर और मैकेनिकल के मजामीन का इंतखाब किया जा सकेगा। इम्तिहान पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लेगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 13वें रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में इलाज मुआवजा तातुल से दौ चार। जिना, जर्नल, मेयू, गंगाराम की ओपीडीज बंद। चिल्ड्रन पीआईसी सर्विसेज अस्पताल में भी ओपीडीज में इलाज नहीं हो रहा। उधर हाईकोर्ट में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी गई। डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। डॉक्टर्स ड्यूटी करें, हर किस्म का तहफ्फुज फराहम करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान की जुडिशियल कमीशन तश्कील के लिए दरखास्त पर समाअत। सदर YGA ने कहा, ओहदेदारों के साथ मुशावरत करके कोशिश करूंगा, कल तक हड़ताल खत्म कर दें। समाअत कल तक मुलतवी। MPA मलिक खालिद खोखर के मरकजी दफ्तर के सामने फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। निजाम ब्लॉक इकबाल टाउन PP169 का फिल्ट्रेशन प्लांट नजरों से ओझल। गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट से अहले इलाका परेशान। पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी गायब। सब्जाजार में जुडिशियल विंग की हिरासत से नैब का मुलजिम फरार। एहलकार उमर यूनुस, इरफान और जुबैर उस्मान को पेशी के बाद खाना खिलाने ले गए। मुलजिम अहले खाना समेत मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शिद्दत पसंद जहनियत रखने वाले पुलिस एहलकारों की छानबीन होगी। स्पेशल ब्रांच में भर्ती होने वाले टेक्निकल स्टाफ की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का फैसला। मुलाजमीन की जहनी हालत पर परखने के लिए माहिर नफ्सियात से प्रोफाइलिंग करवाई जाएगी। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के इदादो शुमार जारी। 2 माह में खातिन की 31,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। 4,085 केसेस में तफ्तीश का अमल जारी है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की इदादो शुमार। P
PP32 गुजरात से चौधरी साली की कामयाबी और कैसरा इलाही की नाकामी का मामला। जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कैसरा इलाही की इंतखाबी उजरदारी पर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कैसरा इलाही की इंतखाबी उजरदारी पर समाअत, फरीकैन को नोटिस जारी। गंदम के बाद पानी का मसला, किसानों की मुश्किलात कम ना हो सके। पंजाब असेंबली में हुकूमती अपोजिशन रुकन एक पेज पर आ गए। हुकूमती रुकन एहसन रजा बोले, हमारे इलाकों में पीने का पानी है और ना ही किसानों को दिया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, पानी का ना होना तकलीफ का बायस है, अगर पानी ना मिला तो धान की फसल को नुकसान पहुंचेगा। IMF ने पंजाब हुकूमत पर शिकंजा कस दिया। अगले माली साल में 630 अरब की बचत करने का हुक्म। शरारत को पूरा और तमाम अखराजात को कंट्रोल करने का टारगेट, टारगेट चीफ सेक्रेटरी को वीडियो लिंक इजलास के दौरान दिया गया। YDA की हड़ताल का कोई जवाब नहीं है। हड़तालों से निजात मिली तो एक साल में हेल्थ सिस्टम मुकम्मल बदल देंगे। सूबाई वज़रा सेहत सलमान रफीक और इमरान नसीर की ज़ेरे सदारत इजलास। सूबाई वज़रा ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज और मुआवजे का तफसीली जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, हुकूमत ने महकमा सेहत को 540 अरब रुपए का तारीखी बजट दिया है। वज़ीर सेहत सलमान रफीक से इंश्योरेंस कंपनियों के नुमाइंदगान की भी मुलाकात। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शाफी हुसैन से पाक चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद की मुलाकात। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर। शाफी हुसैन ने कहा, सरमायाकारी में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। अटक में सरकारी यूनिवर्सिटीज के सब कैंपस पर इजलास। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने सदारत की। VC पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, VC एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वॉइस चांसलर UET टेक्सला की शिरकत। गवाना की तीनों जामियात के सब कैंपसेस को जल्द कायम करके क्लासेस शुरू करने की हिदायत। उधर गवाना पंजाब से तुर्किया के काउंसिल जनरल की मुलाकात। तिजारत तालीम और दीगर शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा, तुर्किया के साथ पाकिस्तान का दरीना गहरा बरादराना रिश्ता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हाईकोर्ट बार आमद। डॉक्टर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम हॉल में तकरीब। सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, हाफिज अब्दुलरहमान अंसारी, जुल्फिकार अली की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने बार में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की सोशल वेलफेयर के दफ्तर आमद। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान समाजी बहबूद पर तबादला ख्याल। काउंसिल जनरल सेहत तालीम और रोजगार में हुकूमती मुआवनत के लिए खसूसी इकदाम पर आमादा। नाइजेरिया के वफद का PDMA पंजाब का दौरा। तीन रियासतों के गवर्नर समेत आला हुकूमती अहदेदार शामिल। वफद ने कुदरती आफात से निपटने के निजाम बारे आगाही हासिल की। वफद ने PDMA कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। DG इरफान अली काठिया ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के वफ की मुलाकात। वफ की जकी एजाज रीजनल चेयरमैन और नायब सदर ने कयादत की। कमिश्नर लाहौर ने कहा, लाहौर डिवीजन सतह पर फेडरेशन चैम्बर के साथ राबता मकामी सनतों के फरोग के लिए लाजमी है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। शादमान ड्रेन डिसल्टिंग, वासा मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप और फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना किया। वाइस चेयरमैन वासा की तमाम पुलों के नीचे खसूसी सफाई की हिदायत। और पंजाब पुलिस के 13 बहादुर जवान गाजी करार। IG पंजाब ने जांबाज अफसरानों एहलकारों को गाजी मेडल से नवाजा। तमाम गाजी जवानों के नाम सेंट्रल पुलिस ऑफिस की गाजी वॉल पर दर्ज किए जाएंगे। गाजी पैकेज के तहत इज्जत अफजाई और सहूलियात के हकदार होंगे।